प्रॉब्लम है अंदर सलूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करे वाकई मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। जेंट्स मछली नहीं बोल पाए और अब बारी है लेडीज ने अपना पिरामिड बनाना शुरू किया है। बहुत ही जोश के साथ सारी बहनें ऊपर की ओर चढ़ती हुई ये रोशन भाभी धमाल के साथ पहले वाले में जाके खड़ी हो गई है। गुलदाम सोसाइटी में आए दो खास मेहमानों से, ये हैं अमरीश भाई ठक्कर और उनकी वाइफ छाया बहन ठक्कर। ये लोग खास तौर पे कनाडा से आए हैं हमारी गुलदाम सोसाइटी की मशहूर दही हांडी देखने के लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये यहाँ गुलदाम सोसाइटी की दही हांडी जो फेस्टिवल है उसमें हमारे भैया जेठालाल ही जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है। गो फॉर इट जेठालाल। नंद गहर आनंद भाइयो, जय कन्हैयालाल की। आप क्या कहती हैं कि कौन जीतेगा ये कंपटीशन, कौन सबसे पहले मछली फोड़ेगा? ऑफ कोर्स दया भाभी। वाह वाह, क्या कहने। अब मिलते हैं भारत भाई से और उनकी पत्नी प्रीति बहन जो की अहमदाबाद का कड़िया मणिनगर से आए हैं। आइए उनसे जानते हैं की कौन जीतने वाला है। आप बताइए, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं जेंट्स टीम को। और आप? अंजलि भाभी, बबीता जी, सब जीतेंगे। वाह वाह वाह, कंपटीशन बहुत लग रहा है। मैं खुद महिला हूँ और मेरा सपोर्ट है महिला के साथ। देखते रहिए मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से लाइव। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अति घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। थोड़ा शी जमायला पाहिजे होते हैं। जमेगा माधवी भाभी, वार्म अप था। क्या करे जो ना, कितनी हिम्मत करके मैं ऊपर चढ़ गिर गई। कोई बात नहीं, ट्राई किया। वी हैव डन इट वेल। यस, लेडीज और जेंट्स टीम दोनों ही एक-एक बार नाकामयाब कोशिश कर चुके हैं इस मटकी को फोड़ने की, लेकिन उनकी ये कोशिश अच्छी रही और इसी कोशिश को देखने के बाद मैं लेडीज टीम को 10 में से 9 मार्क्स देती हूँ। अच्छी बात है। और जेंट्स टीम को उनकी इस कोशिश के लिए मैं 10 में से 2 मार्क्स देती हूँ। जी जेठा भाई बोलिए। तुमने ये मटकी फोड़ने का कोई कोर्स वर्स किया? नहीं। तो फिर टीचर बनकर मार्क्स क्या करिए तो? अरे तो क्या तुम तो ऐसे फेवर कर रही हो रीटा, जैसे बगर मटकी फोड़ो बोल दोगे कि लेडीज टीम जीत गई। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि जेंट्स टीम ने अपनी हार मानते हुए ये बात कबूल कर ली है कि लेडीज टीम जीत गई। क्या बोल रही है तू? अपनी जबान को लगाम दे। मैं अभी उसको शांत हो जाओ, काबू रखो अपने आप पे। अरे हमें उकसाना चाहती है, हम ऐसे उकस जाएंगे, मेरा मतलब है भड़क जाएंगे। हाँ पोपटलाल, हमें जोश में आके अपना होश नहीं खोना है, कंट्रोल। शांत। ओह कम ऑन, आप जोश में रहो या होश में, जीतेंगे तो हम ही। अरे किस होश में हो, जीतेंगे हमारे सामने। अरे हम वो हैं कि हम चल पड़े तो समंदर को हट जाना पड़ता है। वादा, वादा, वादा। क्या बात है, क्या बात है, क्या शायरी बोली है मतलब। देखिए सबकी बोलती बंद हो गई। सही बात है। एक मिनट दिए बोलो। हम वो है जहाँ मंजिल को हमारे कदमों में आना पड़ता है। मैं तो सब अंधी बॉबी को अपने से थोड़ा दूरी रखा करो भाई, सब सीख जाती है शायरी वायरी। वरना पे क्या वो दूरी बना के रखना, डिस्टेंस। हाँ। बोलिए बोलते क्यों नहीं? अरे हम वो है जो दरिया में आग लगा देते हैं। तो हम वो है जो उस आग को फूंक मार के बुझा दे। अरे हम वो है। मुकाबला शायरी का है कि दही हांडी का? वाह वाह बाबूजी, वाह वाह बोलिए। ये वाह वाह मैं कोई शायरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि शायरी बायरी छोड़ो, सीधा मटकी फोड़ो। ओए होए होए चाचा जी तुझे तो छावे। चलो फिर मटकी फोड़ने फिरू। मटकी फोड़ने के लिए मेरा मक्की फोड़ने को ये जंग तैयारी, आइए नारियल उठा सही से कूदा। अब ये क्या जेंट्स की टीमों पर एक दूसरे को नारियल पास कर रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग इस बार भी मक्की नहीं फोड़ पाएंगे। चुका है और जेंट्स एक बार फिर से मटकी नहीं फोड़ पाई, यानी कि वो एक बार फिर से नाकामयाब हो गए। ये दया भाभी तो हंडी फोड़ ही नहीं सकती, कैसे पिड़ू? नारियल तो मेरे पास है, सोड़ी तो दे दे फिर। ओ हेलो जी, नारियल और हम लोग नारियल पास कर रहे थे नीचे से। भाई तेरे को भी फेंकना चाहिए था ना ऐसे ऊपर से। क्यों पापा आप लोग हार गए। हंसी के साथ सदमा, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपकी चेतना किस तरह शून्य हो जाती है, आपकी सांसें किस तरह अटक जाती है, वो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। जो गुलदाम सोसाइटी के इस प्रांगण में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि खुशियों के इस माहौल के बीच में अचानक लगभग 2 मंजिल की ऊंचाई से दया भाभी का हाथ रस्सी से छूट जाएगा और हम नीचे खड़े, हम सबकी सांसें अटक जाएंगी। मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त दया भाभी हवा में है और एक बहुत बड़ा हादसा हमारा इंतजार कर रहा है। न जाने क्या होने वाला है। ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि दया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है और जब कोई चीज काम नहीं करती तब प्रार्थनाएं काम करती है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्ण कन्हैया, हमारी दया भाभी की रक्षा करना। और वैसे भी ये मुबारक मौका है आज, क्योंकि मैं अपने तमाम मुस्लिम बंधुओं को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैन बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष में अगर मन, वचन और कर्म से हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिच्छामि दुक्कडम। ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी दया भाभी को कुछ न हो। बस इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक और देखिए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। मेरे इस डर को दूर करने के लिए मेरे साथ ईश्वर से आप भी प्रार्थना कीजिए कि दया भाभी को कुछ न हो। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.